हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में जितने भी प्रॉपर्टी थे सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। राइट, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि जो एलिमेंट दिए हुए उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करनी है। राइट, तो चलिए इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट, और इधर दिया हुआ है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। राइट, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहा, ध्यान दीजिए, 1 1 1 कॉलम है, 1 में जो है 1 1 है, कॉलम 2 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, और कॉलम 3 में सी स्क्वायर बी स्क्वायर माफ कीजिएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। राइट, अब ध्यान दीजिए किसको कॉलम और किसको रो बोलते हैं, उसको समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। राइट, तो ये 3 वेरिएबल का है, इसमें 3 रो है R1 R2 और R3, और 3 कॉलम है C1 C2 और C3। राइट, यानी कि 3 वेरिएबल का है। ध्यान दीजिए, इस टर्म का क्वेश्चन अगर इस टाइप में आए तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना दिमाग लगाना है। राइट, ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें, चाहे तो आप एक रो में चाहे तो आप एक कॉलम में, यदि कम से कम मिनिमम 2 एलिमेंट को यदि आप 0 कर लेते हो तो सॉल्यूशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है, और या तो फिर प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई होंगे तो हो ही जाएगा। राइट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में यदि 2 0 करना चाहे, चाहे 1 रो या 1 कॉलम में, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पे 1 में 1 को घटा देंगे तो R1 का फर्स्ट कॉलम में 0 हो जाएगी, होगी ना। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ में 1 है, अगर 1 में फिर इसको घटा देंगे तो रो 2 का फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 0 हो जाएगी। राइट, तो हमने क्या बोला, मिनिमम 2 0 चाहिए, 2 0 अवेलेबल है। अब इसको लिखते कैसे हैं और सॉल्यूशन कैसे करते, चलिए उसको हम ईजी तरीका से करते हैं। राइट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोल रखा अभी कि माइनस करनी है, तो माइनस करने का प्रोसेस क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, सिंपल समझेंगे। ध्यान दीजिए, R1 अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 अप्लाइंग R2 माइनस R3। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ, उसको आप ध्यान दीजिए, सिंपल समझ लीजिए। हमने यहाँ जो लिख रखा है R1 माइनस R2, R2 अप्लाइंग R2 माइनस R3, यहाँ ध्यान दीजिए R1 अप्लाइंग जो हमने एरो का साइन लगाया है, इसका मतलब क्या होता है आप उसको समझ लो, जिसमें यहाँ पे अप्लाइंग करेंगे उसी में हम लोग काम करते, काम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2। अब ऐसा ना करो कि इसमें 1 में 1 घटा दिया 0 हो गया, भाई आगे से कोई मतलब नहीं, जी नहीं, ये R1 यानी कि रो जो है ये पूरा लाइन रो को कहते हैं, पूरा लाइन मिला तो ही रो कहलाए, अगर इसी में हम काम कर रहे थे मेरा कॉलम एक कॉलम में काम नहीं होता, जितने कॉलम है सारे कॉलम में काम होते, क्योंकि R1 माइनस R2 यानी कि इस लाइन को, सेकेंड लाइन को, थर्ड लाइन को हम लोग रो 1 रो 2 रो 3 बोलते हैं, और यहाँ पे R1 माइनस R2 बोला है, यानी कि फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन को क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप ध्यान दीजिए, ये काम आप चाहे तो ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, किसी तरह से भी अगर 2 0 कर लेते हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना ईजी हो जाता है। कैसे ईजी होता है आप एक बार उसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे ईजी होता है, कि जब 0 2 एलिमेंट 0 हो जाते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट उसका 0 होती है ना। अब 0 डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा संख्या जितना चाहे बड़ा ले लो, 1 लाख ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, जितना भी संख्या, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, बहुत बड़ा लड्डू ही मिलेगा ना, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 0 है, 0 का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो जितना भी एलिमेंट इधर का क्यों ना है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा ना, और लास्ट में जो एक एलिमेंट बचते हैं उसका सिर्फ डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। राइट, अक्सर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इसीलिए लास्ट तक देखिए और समझ के देखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो
लिख के रखा है, अब उसको काम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए, आर वन अप्लाई आर वन माइनस आर टू, यानी कि इस लाइन में इस लाइन को घटाना है। यानी कि सिंपल समझिए, वन है, वन लिखा हमने, क्या लिखा, आर वन माइनस आर टू, यानी कि वन माइनस वन, यहाँ पे आर वन माइनस आर टू, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए क्यू, जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे वैसे सारे टर्म में करना, ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस में भी आएगा, क्योंकि आर टू अप्लाइंग आर टू माइनस आर थ्री, आर टू अप्लाइंग आर टू माइनस आर थ्री, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, वन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू। अब लास्ट लाइन जो है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा है कॉल रो थ्री के लिए, तो जो है वही लिख दो ना भाई, काहे माथा लगा रहे हो, जिसमें कोई काम हो ही नहीं रहा तो सेम चीज सेम उतर जाएगा ना, डी टू छाप दो, यहाँ पे क्या बचेगा, वन सी स्क्वायर और सी क्यू, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमने जो इंडिकेट कर रखा है, इसको आपको इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, उसको समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस इंडिकेट करा है समझने के लिए, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वन माइनस वन, अब इसका सॉल्यूशन तो करना ही होगा ना, वन माइनस वन क्या आएगा, जीरो, जैसे जैसे सॉल्यूशन है वैसे वैसे करना है, वन माइनस वन आएगा जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है, आप बहुत छोटे में पढ़ चुके हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और दूसरी बार माइनस में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, ए प्लस बी, एक बार माइनस में, ए माइनस बी, ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ पे तीसरा जो टर्म दिया हुआ है, कॉलम थ्री में दिया हुआ है, R1 का यानी कि रो फर्स्ट का कॉलम थ्री में, ए क्यू माइनस बी क्यू, भाई इसका भी फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है उसका समझ लीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये आपका ये कंप्लीट हुआ, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब वन में वन घटाएंगे तो जीरो आएगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर कर रखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए, बी प्लस सी, और इधर लिख दीजिए बी माइनस सी, राइट। जो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई किया वही किया, अब यहाँ पे भी सेम आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे वर्ड चेंज है, बी क्यू माइनस सी क्यू है, उस फॉर्मूले पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिए, थर्ड रो में हमने किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको सेम यहाँ पे आपको लिख देनी है, वन सी स्क्वायर और सी क्यू लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इसमें कॉमन आती है तो हमें कॉमन करना पड़ेगा, तो जाके सॉल्यूशन करना आसान हो जाती है। कॉमन करने का प्रोसेस क्या है, यदि चाहे रो से आप कॉमन कीजिए चाहे कॉलम से कॉमन कीजिए, बट तीनों लाइन में मिलना ज़रूरी है तो ही कॉमन हो पाएगा। यदि दो में मिल रहा है और तीसरा में नहीं मिल रहा है तो कॉमन नहीं हो पाएगा, तीनों में मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक प्रोसेस और है, अगर पहला टर्म जीरो है दो टर्म से मिल रहा है तो कॉमन हो जाएगी, जीरो वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो फर्स्ट टर्म में अगर ये टर्म में मिल जाता है दो संख्या तो कॉमन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, और थर्ड कॉलम में ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जी हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपने देखा है, आपको पता है क्या मिल रहा है, बताओ ना, बताओ ना, कहाँ ध्यान है, बताओ बताओ, इधर बताओ। ध्यान दीजिए, ए माइनस बी तो मिल ही रहा है ना, आप तो जो सोच के रखा था वही है, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी यहाँ पे भी, तो कॉमन आएगा ना, किससे कॉमन आ रहा है, आर वन से। अब सेकेंड में देखिए, इसमें भी कुछ मिल रहा है इधर इधर, सेकेंड में भी देखिए, यहाँ पे भी आपको पता है क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी माइनस सी और बी माइनस सी यहाँ पे भी मिल रहा है ना, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और सिंपल इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, जो कॉमन करने का प्रोसेस हमने आपको भी बता रखा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे टैकिंग, टैकिंग कॉमन,
ए माइनस बी फ्रॉम आर वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम आर टू, राइट। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ क्या लिखा, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम आर वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम आर टू, राइट। टेकिंग कॉमन ए माइनस बी, टेकिंग यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑन मत कर दीजिएगा, कॉमन है। ए माइनस बी फ्रॉम आर वन, बी माइनस सी फ्रॉम आर टू, राइट। अब यहाँ से हम पार्ट्स को डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी हमने जो कॉमन कर रखा है उसको पहले लिख देंगे। लिख दीजिए क्या कॉमन कर रखा है, ए माइनस बी और बी माइनस सी जो हमने कॉमन कर रखा है लिख दिया। आप ध्यान दीजिए, जो टर्म्स कॉमन करने के बाद बचा है उसको तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन करना बाकी है ना। ध्यान दीजिए, ए माइनस बी और बी माइनस सी को हमने कॉमन कर रखा, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जीरो है वन है, कर दीजिए जीरो जीरो वन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए माइनस बी को हमने बाहर कर रखा है, ए प्लस बी बचा हुआ है जिसे हम लिख देंगे, क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी, राइट। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में जो है ए माइनस बी हम बाहर कर लिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है, लिख दो ना, सोच क्यों रहे हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको बस छापते चलना है। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड में चलेंगे, यहाँ जीरो तो है, बी माइनस सी कॉमन आ चुका है, बी प्लस सी है तो यहाँ पे लिख देते हैं बी प्लस सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी प्लस सी यहाँ से वापस बाहर आ चुका है, जो बाहर आपका लिखा हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, जो यहाँ पे है वही चीज हम वहाँ पे नोट कर रहा हूँ, राइट। अब ध्यान दीजिए, थर्ड वाले टर्म बेचारा तो कुछ किया नहीं उसमें, थर्ड वाले टर्म को तो कुछ दिया नहीं, जो है उसको वही दे दो। चलिए क्या क्या है, वन है, सी स्क्वायर है, सी क्यू है, चलो दे देते हैं वहीं पे, जो है उसको वही रहने देते, काहे परिसरण में उसको डाल दे। ध्यान दीजिए, थर्ड में कोई काम नहीं कर रखा था, जो उसका एलिमेंट है वही एलिमेंट बेचारे को दे दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में बोल रखा था कि दो एलिमेंट जीरो करनी है, आपने यहाँ पे दो एलिमेंट जीरो करके दिखा दिया मेरे को, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, दो एलिमेंट तो जीरो हो गया, तीसरा एलिमेंट जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये जीरो का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो भी एलिमेंट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए जीरो से नहीं करते, जीरो ही होता है। अब लास्ट टाइम जो वन बच रहा है उसका काम करना ही होगा ना। अब ध्यान दीजिए, जो बाहर है उसको रहने देंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, वन का। अब ध्यान दीजिए, जब वन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हम लोग जानते हैं जिसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है, तो क्लोज कर दो ना। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, ये टर्म्स बचेंगे, सारे टर्म्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से, राइट। फिर साइन होता है माइनस का, फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब करना कुछ भी नहीं है, ये टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, धैर्य रखिए आसान है, राइट, धैर्य रखिए आसान है। क्या करना है, हम एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, सारा स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, आपको बस मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, जो है यहाँ पे टर्म्स उसको लिखेंगे, क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स वही आएंगे, ए को मल्टीप्लाई कीजिए इससे
बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर से, जो आप बहुत पहले सीख चुके हैं। अब b को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस b है प्लस b रखेंगे, माइनस रहता तो माइनस करते, क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। जैसे जैसे है वैसे वैसे टर्म्स को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस का साइन दे रखा है, माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, बी को अब इसे मल्टीप्लाई करो, बी को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है प्लस सी देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर वाले से, बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है बस आप वैसे वैसे करते चलो, आंसर आपके कदम चूमेंगे। ध्यान दीजिए, केवल सॉल्यूशन गलत मत करना भाई साहब, अगर माइनस प्लस में ज़रा सा भी गलती किया तो पूरा का पूरा आप गलत कर दोगे। मेरे साथ आप बस नोट करते चलिए और समझते चलिए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए को अगर ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है, आप फटाफट आप लिखते चलो, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए बी सी प्लस ए को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर। अब प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन देंगे, बी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी क्यू, प्लस का साइन है प्लस देंगे, बी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पे बी को सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब लीजिए, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर रखा है, अब ये टर्म्स जो बचा हुआ है अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे रखेंगे, अब ए स्क्वायर बी है तो यहाँ पे जब इसको ए स्क्वायर और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और जब इसमें बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, प्लस का साइन है प्लस का देंगे, हो जाएगा ए बी स्क्वायर, जब यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी क्यू, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, ए स्क्वायर को सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, ए बी को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए बी सी, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो समाप्त हुआ, अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, माइनस का साइन को हटाएंगे और जो साइन है ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस होते हो, आपको पता है। ध्यान दीजिए, जो है वैसे ही नोट कीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे है वैसे ही उतरेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, प्लस में था तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का साइन खुलेगा तो सारा का साइन चेंज हो जाता, आपको पता है, हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, राइट। साइन भी हमने चेंज कर रखा है। अब ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस जो संख्या कटता है उसे हम सिंपल इसमें काट देंगे, जो प्लस और माइनस में कटेगा। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म जो आपका ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर अगर माइनस मिल जाता है ए बी स्क्वायर, अति सुंदर बात है, उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ए बी स्क्वायर जो है प्लस में और ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी जो प्लस में है यहाँ पे, ए बी सी यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ए सी स्क्वायर देखिए, ढूंढिए इसमें ए सी स्क्वायर है, नहीं है, छोड़ देंगे। बी क्यू जो है यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर सी जो है प्लस में है और यहाँ बी स्क्वायर सी माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर जो है आपका नहीं मिलेगा और अब उम्मीद करते हैं कटेगा भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो बचा हुआ उसको तो लिखना ही होगा ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, जो बचा हुआ है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इधर बचा हुआ माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, राइट, ए स्क्वायर सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस वाले टर्म और माइनस वाले टर्म जो भी संख्या मिलता है कॉमन कर लेंगे, नहीं मिलेगा रहने देंगे। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, एक लाइन और चलेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिए इस टर्म और इस टर्म में प्लस वाले टर्म में देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यानी कि एक कॉमन आ सकता है, मिल रहा है ना, एक सी को यहाँ से बाहर कर लीजिए, सी स्क्वायर को भी बाहर कर सकते हैं लेकिन फिर लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, उससे भी आप करके देखेंगे। देखिए ए सी स्क्वायर था, जहाँ से सी बाहर आ गया तो ए सी बचेगा, यहाँ प्लस का साइन था, बी सी स्क्वायर था, यहाँ देखिए बी सी बचेगा क्योंकि एक सी तो बाहर आ ही गया है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस टर्म में ए दोनों में मैच हो रही है ना, दोनों में ए मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से माइनस ए को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ए को जब हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे तो अंदर वाला साइन तो चेंज हो ही जाएगा ना, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे ए बाहर आया तो ए भी बचेगा ना, प्लस ए सी। अब ध्यान दीजिए साइन क्यों चेंज हुआ उसको ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ से ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी जो है यहाँ से हमने माइनस ए को बाहर किया हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस में आ गया, ये माइनस में था ये भी प्लस में आ गया, माइनस तो बाहर आ गया है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ देखिए बाहर बाहर वाला जो किए थे उसको बाहर ही रहने देंगे, सी माइनस ए टर्म्स बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, है ना। अब देखिए यहाँ से ए सी और ए सी टर्म, ए सी और ए सी दोनों मिल रहा है, एक को कॉमन कर लेंगे बाहर, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे एक टर्म को बाहर आ गया था कॉमन कर लिए। अब यहाँ कॉमन करने के बाद टर्म्स क्या क्या बचा था, बी प्लस सी और ए प्लस बी, प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, राइट, यही हो जाएगा आपका आंसर, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से आप रीप्ले करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार हमसे कॉन्टैक्ट करके तो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, और जब हम लोग अगले वीडियो में जब क्लास करेंगे, अगले वीडियो क्लास जब हम लोग आएंगे वीडियो के साथ में, तब वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ तो इसमें अप्लाई नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे ना हम लोग सीख लेंगे अप्लाई करने के लिए, इसीलिए इसका अगला एपिसोड में आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आई, तो आप इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगा ना तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।